राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद थाना के पास एक बार फिर कुछ उपद्रवियों की अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई है। घटना नसीराबाद शहर की है, जहां गांधी चौक पर गांधी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने महात्मा गांधी के सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, इन बदमाशों ने इसके बाद गांधी मूर्ति के हाथों की उंगलियां भी तोड़ दी। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के लिए पड़ताल शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने शिनाख्त कर बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर जब आरोपी से उसके इस शर्मनाक हरकत के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि शराब के नशे में उसने इस तरह का उत्पात मचाया, लेकिन इस तरह महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ना भी इस आरोपी ने जायज करार दिया। आप खुद सुनिए इस हरकत पर आरोपी की सफाई। तो हम आ रहे थे वापस कंपाउंड से, हमसे खुद पाँच एक दो उतर के चल गया, बाकी हम थे चार, चार में से दो गाड़ी पे खड़े थे और वो साइड में ही थे, और दो दोस्त हम थे। तो मैंने उस दोस्त को बोला पत्थर दे मुझे, वो नहीं लेकर आया तो मैं पत्थर लेकर आया, मैंने उसके हाथ में थमाया। गेट खुला था गांधी चौक का, मैं ऊपर चढ़ा और पत्थर से मूर्ति तोड़ दी। आपको कैसे सूझी कि गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया जाए? सर, बचपन से किताबों के अंदर पढ़ता आ रही गांधी जी, कभी भगत सिंह, राजगुरु जो ये शहीद हुए देश में, कभी नहीं सुना। जब हमें ये पूर्व चलता है कि गांधी जी थे तो हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी को बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया, फांसी चढ़ गए। तो बस गांधी जी शुरू से कोई इज्जत नहीं थी गांधी जी। मूर्ति तो बहुत पुरानी लगी भाई, मार की मूर्ति बहुत पुरानी लगी थी सर, दिल में खुनस थी और मैं शराब पिए हुआ था, मुझे होश नहीं था उस वक्त, और मेरे हाथ से ये घटना। आपके साथ और कौन था? मेरा दोस्त था। क्या नाम है? यशरोबी। मेरा नाम रिंकू चौधरी है। और कौन था? दोस्त यशरोबी साथ में था सर। नहीं, ये बात किसने बताई कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सारा कुछ भगत सिंह ने? किताबों में पढ़ते ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांधी जी हमेशा जो मानता है पढ़ते आ रहे हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह सब पे गांधी जी की आती हैं। तो दिवाली की रात क्यों चुनी इस काम के लिए आपने? क्योंकि मैं उस वक्त शराब नशे में था। अच्छा, दिवाली को ही पीते हो जी? क्या काम करते हो आप? सर, मैं माइंस में काम करता हूँ। और कितने पढ़े लिखे हो? सर, सेकंड ईयर चल रही है मेरी। कौन से उसमें रेगुलर? प्राइवेट जी, रेगुलर सर। आपने नहीं सोचा मेरे पीछे कानूनी कार्रवाई होगी कृत्य करने के बाद? नहीं सर, उस वक्त मैं नशे, शराब के नशे में। अब आपको पश्चाताप है क्या? जी, पश्चाताप नहीं है सर। अच्छा, आप इसको जायज मानते हो कि आपने अच्छा किया जो भी किया? नहीं, अच्छा भी नहीं सर, मैंने मुझे एक गलती हो गई है मुझसे, ये नहीं मानता मैं, गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। रविवार देर रात को गांधी चौक पर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को इस तरह खंडित करना वाकई हमारे राष्ट्रपिता को अपमानित करने का सबसे ताजा उदाहरण है। युवाओं में ऐसी सोच निश्चित ही हमारे देश के सुनहरे इतिहास पर सवाल खड़े करता है, जो कि चिंताजनक है। गांधी चौक पर गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी, दिनांक 28/10/19 की रात्रि को सूचना मिली कि इस तरह से गांधी जी की मूर्ति को किसी अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ा गया है। इस सूचना पर थानाधिकारी अपने पुलिस स्टाफ के साथ में वहां पहुंचे, सीसीटीवी वगैरह के फुटेज देखे, उसमें दो व्यक्ति जो है गांधी जी की मूर्ति की गर्दन ले जाते हुए दिखाई दिए, जिनकी पहचान की गई तो एक का नाम यश रोबी तथा दूसरे का नाम अंकुर चौधरी सामने आया, जिन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनको कल न्यायालय में पेश करके रिमांड प्राप्त किया जाएगा। आगे इनमें और भी कोई इनके सहयोगी होंगे या जिनका इंटेंशन इसमें होगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।